आज हम बात करेंगे कॉलम के अबाउट और उसकी सेटिंग्स के अबाउट। उसकी बेसिकली तीन सेटिंग्स होती हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी रो के अबाउट, या हमने बात की थी सेक्शन के अबाउट, राइट, कि उसकी सेटिंग्स जो होती हैं उनको किस तरह से हमने डील करना है, और उसके बारे में मैंने बेसिक्स ओवरव्यू दिया था आपको। आज हम बात करेंगे कॉलम के अबाउट और उसकी सेटिंग्स के अबाउट। उसकी बेसिकली तीन सेटिंग्स होती हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। तो चलें उनको चल के देखते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर देखें हमने सिंपल एक सबसे पहले एक सेक्शन ले लिया या रो ले ली। इसके अंदर देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम आता है। अगर हम इसके इस रो के अंदर या इस सेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे और कॉलम्स ऐड होते जाएंगे जितने भी हमें चाहिए, राइट। इस तरह से हम इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। और अगर हमें इसको माइनस करना है तो स्पेस सेलेक्ट करके उस स्पेसिफिक कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी देखें एडिट कॉलम, और इसकी तीनों सेटिंग्स हमारे सामने हैं, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। तो यहाँ पे देखें कॉलम विड्थ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें दोनों कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट वाला कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, तो मैं इसको 70 दे देता हूँ, तो बाकी 30% इसने ग्रैब कर लिया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से इसको डील कर सकते हैं। इवन आप इसको इस तरह से भी डील कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जितना भी आप इसको सेक्शन को मैनेज करना चाहे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजेंटल अलाइन, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई कंटेंट है नहीं, जब इसके अंदर हम इस तरह से कोई कंटेंट डालेंगे, राइट, और फिर इस कॉलम के अंदर आएंगे तो इसके अंदर ये वर्टिकल अलाइन और हॉरिजेंटल अलाइन को हम करेंगे मिडल, बॉटम। तो इनको जब भी ऑप्शंस को डालेंगे तो इन कॉलम्स के अंदर जो चीज़ें होंगी तो उनका ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा, राइट, कि उनकी अलाइनमेंट क्या होगी ये चीज़ें वो डिसाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे HTML टैग है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। सेकंड चीज़ पे चलते हैं स्टाइल, तो हम अभी कॉलम का ही स्टाइल कर रहे हैं, ओके। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इसके अंदर, और हम स्टाइल के अंदर आ गए। अब इस कॉलम का बैकग्राउंड एक था हमारे पास, यहाँ पे देखें हमने लास्ट टाइम जो है बैकग्राउंड लगाया था, मान के चलें ये बैकग्राउंड लगाया था उस पूरी रो का। अब मैं चाहता हूँ इस स्पेसिफिक इस कॉलम की बैकग्राउंड पे एक कलर या एक इमेज लगे, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, स्टाइल के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे देखें मैं कोई इमेज अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, लेट्स से ये, तो यहाँ पे देखें इस कॉलम के बैकग्राउंड के ऊपर वो आया। अब लेट्स से मैं इसके अंदर एक हेडिंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखें इस कॉलम का बैकग्राउंड वो है, जबकि उस रो का बैकग्राउंड वो वाला हम उधर से सेट करेंगे। तो अभी हम क्योंकि कॉलम की बात कर रहे हैं तो इवन अब कॉलम पे भी एक बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं और इसको भी डिलीट कर देता हूं, वापस आ जाता हूं मैं। तो यहां पे देखें आप सेम वही ऑप्शंस है जो कि हमने रो के अंदर डिस्कार्ड किए थे। बैकग्राउंड ओवरले भी सेम वही ऑप्शंस है, बॉर्डर रेडियस भी वही ऑप्शंस है, टाइपोग्राफी भी सेम वही ऑप्शंस हैं, तो इनको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मार्जिन और पैडिंग भी सेम चीज़ें हैं। लेट्स सपोज अगर मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो मैं टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट साइड के ऊपर जितना चाहे मार्जिन दे सकता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ तो जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये इक्वली सब जगह पे मार्जिन लगेगा, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है मार्जिन एंड पैडिंग। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मोशन इफेक्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिवनेस है, एट्रीब्यूट्स है, CSS है। तो ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो कि मैंने रो या सेक्शंस के अंदर बड़े डिटेल के अंदर आपको समझाए। आई होप आप इनको साथ मजीद प्ले करेंगे। प्ले करने के कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपने इसी तरह से प्रैक्टिस के दौरान एक कॉलम ले लेना है, उसकी सारी सेटिंग्स देख लेनी है, उसकी तमाम सेटिंग्स पे डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करनी है और देखना है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते रहें और मज़ीद इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको कॉलम्स के अबाउट समझ आया होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।